दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो आपकी अपनी ट्रेड की क्रमबद्ध रूप से मैं सारी की सारी क्लासेज जो कि एक से लेकर के लगभग 200 से 300 क्लासेज में प्रोवाइड करा रहा हूं, उसी क्रम में ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी रहेगी। चलिए आज अपन चलते हैं कि क्या चैप्टर लेकर आए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो चैप्टर है, देखिएगा इसमें जनरल सेफ्टी रूल्स। कौन सा? यहाँ पर है जनरल सेफ्टी रूल्स। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो साधारण सुरक्षा नियम। अब साधारण सुरक्षा नियम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है इस पर अपन को ध्यान देने की बात है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जनरल सेफ्टी में कौन कौन सी चीजें आती है। साधारण रूप से जो अपन सेफ्टी रहते हैं तीन प्रकार से करते हैं, तीन प्रकार से डिवाइड करता। पहला, आदमी स्वयं की, मानव अपनी सुरक्षा। सबसे पहले दुनिया की कोई सुरक्षा है तो वो खुद की सुरक्षा होती है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो कि सबसे पहले मैं सिक्योर हो जाऊं, मैं सुरक्षित रहूं, आगे मेरे फ्यूचर में जो है उज्ज्वल भविष्य हो, अर्थात मुझे कोई परेशानी ना आए, घर तो खासतौर से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आप चाहते हो इसीलिए तो तैयारी करते हो, खुद की सुरक्षा पहले, दूसरे नंबर पर मशीन की सुरक्षा, तीसरे नंबर पर आपकी किसकी वर्क पीस जो कार्य कर रहे हो आप कार्यखंड की सुरक्षा के लिए भी। ये सारी चीज़ें तीन प्रकार से डिवाइड किया गया। तो मानव को कई प्रकार से अपन को सुरक्षा रखनी पड़ती है, तो सेफ्टी को अपन डिवाइड करते हैं तीन प्रकार से। तो देखिएगा सुरक्षा जो है, साधारण सुरक्षा की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। अगर आपसे पूछे कि साधारण सुरक्षा कितने प्रकार की होती है तो आपको ध्यान देना है कि ये तीन प्रकार की होती है। लेकिन ये जो साधारण सुरक्षा है ये तीन प्रकार की तो होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है ये चीज़ आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ आता है, देखिएगा पहले नंबर पे आता है जो आता है सेल्फ सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी, देखिएगा सेल्फ सेफ्टी मतलब होता है इसका, अगर बात करते हैं तो स्वयं सुरक्षा, स्वयं की, स्वयं सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, ये समझिएगा आप, स्वयं की सुरक्षा या स्वयं सुरक्षा, ठीक है। देखिएगा दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं, यही चीज अगर अपन देखते हैं दूसरे नंबर पे तो आपके पास आती है, अपन तीन तरह से इसको डिवाइड कर रहे हैं, पहला नंबर का, दूसरे नंबर का। दूसरा आता है मशीन सुरक्षा, तो सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ मशीन, मशीन, ठीक है, मशीन की सुरक्षा। तो यूं समझेगा इसको कि मशीन की सुरक्षा, तो मशीन की सुरक्षा होगी, किसकी होगी? मशीन की सुरक्षा। आपको मैं तीन तीन प्रकार से पढ़ाऊंगा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे एक एक चीज को सीक्वेंस में करूंगा, क्रमबद्ध करूंगा, यूं नहीं मर्जी आए जहां पर जैसे रख दे ऐसा नहीं। आपको दूसरे नंबर पर अगर बात कर ली अपन ने तो तीसरे नंबर की बात आती है, तो तीसरे नंबर की कौन सी आती है? तो देखिएगा यहाँ पर एक और आती है वर्कपीस की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें आता है सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ वर्कपीस, सेफ्टी ऑफ वर्क पीस, ठीक है, कार्यखंड। वर्क पीस का मतलब क्या होता है? कार्यखंड। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं वर्क पीस, अगर बात करते हैं तो यूं समझिएगा कि सुरक्षा जो किसकी कर रहे हैं? वर्क पीस की, अर्थात यहां समझिएगा कि कार्य, कार्यखंड की, खंड की सुरक्षा, ठीक है। तो तीन प्रकार से अपने डिवाइड की गई है, कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। अब तीनों प्रकार को अपन को यहाँ पर क्लियरिफाई करना है तो कैसे चलेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए ही, देखिएगा स्वयं की सुरक्षा, क्योंकि पहला जब भी आप जाओगे नौकरी लग जाओगे तो सबसे पहली बात यही समझाई जाएगी आपको कि किस तरह से अपन को पहली प्राथमिकता अपन को देना है, क्योंकि कोई भी मशीन है खराब हो गई या कोई जर्जर हो गई या खराब हो गई, कोई भी वजह हो सकती है, असुरक्षित हो गई, क्या कि गिर गया कुछ या अपनी गलती रही, लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचा तो उसकी भरपाई आप पर हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सरकार भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन कोई हस्त अंग भंग हो जाता है अपना स्वयं का तो कैसे, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? नहीं ना। तो पहली प्राथमिकता दुनिया की अपनी प्रश्न, कार्यखंड भी अगर खराब हो गया, वर्कपीस भी कोई खराब हो गया, कार्य कर रहे थे सही नहीं कर पाए, गिर गया तो उसको आप क्षतिपूर्ति कर लेंगे, अगला टाइम ज्यादा लग जाएगा या कुछ भी हो सकता है उसमें जो है ना कॉस्ट बढ़ जाएगी, परंतु उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्या आप लोग अपनी स्वयं की सुरक्षा, अपने कोई भी चीज अगर दुर्घटना हो जाती तो क्या उसकी पूर्ति कर पाएंगे पैसे से?
इकोनॉमिक्स क्या उसकी पूर्ति कर पाएंगे? नहीं ना। तो यही चीज है, यही मैटर है, तो मैं वही बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, तो यहां पर ध्यान देना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, तो ये आता है सेफ्टी ऑफ मशीन, मशीन की सुरक्षा, और उसके बाद लास्ट में आता है यहां पर सेफ्टी ऑफ वर्कपीस, वर्कपीस कार ऑफिस की सुरक्षा। तो इस तरह से अपन यहां डिवाइड करेंगे इनको। अब आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, ये चीज मैटर करती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ सेफ्टी पढ़ेंगे स्वयं की, किसकी, स्वयं की सेफ्टी, उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्वयं की सेफ्टी के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट आते हैं इन पर अपन को, तो चलते हैं। देखिए अपन यहाँ पर सबसे पहले सेफ्टी देखिएगा, बात सेल्फ सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा में अपन पहला बिंदु उठाया है, इसमें से पहला बिंदु आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें पहली प्राथमिकता देंगे कि कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं, स्वयं कोई भी कार्य कर रहे, चाहे कोई सा भी हो, उस कार्य में ये महत्वपूर्ण भागीदारिता होती है कि जो भी अपन कार्य कर रहे हैं, उस कार्य पर जो भी मशीन है या उस कार्य की संपूर्ण जानकारी पहले अपने पास होनी चाहिए, अर्थात उसकी ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। बगैर ट्रेनिंग को अचानक ही उसको करने लग जाए तो हो सकता है आपको कोई न कोई दुर्घटना हो जाए। अतः स्वयं की सुरक्षा के लिए उस कार्य की, जो भी आप कार्य करने जा रहे हो, उसकी संपूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो श्रमिक को कोई भी कार्य से पूर्व ट्रेनिंग BTC करनी चाहिए। BTC मतलब बुनियादी ट्रेनिंग सेंटर, अर्थात बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, है ना। देखिए तो ये हो गया बेसिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहाँ करोगे BTC कहाँ करोगे बेसिक ट्रेनिंग? देखिएगा जहां पर भी अपने यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर, तो बेसिक क्या है, श्रमिक को कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना, बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण ज्ञान हो सके, चाहिए। ठीक है, तो कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले बेसिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जब जाकर के आप उसे कर सके, अन्यथा नहीं करना चाहिए। देखिएगा कार्य स्थल पर जब भी जाए, चाहे भी कोई भी कार्यस्थल हो, उस कार्यस्थल पर जाने से पूर्व आपको मोटे तले वाला, जिस पर ऑयल का कोई प्रभाव न पड़ता हो, तेल का कोई प्रभाव न पड़ता हो, वो जो है शूज पहने, अर्थात उनको बोलते हैं सेफ्टी शूज, जिसमें कटोरी भी लगी रहती लोहे की, अगर उस पर कोई मशीन का टुकड़ा या जॉब का टुकड़ा गिर भी जाए तो पांव सुरक्षित रहे। तो ये बात है, तो हमेशा कार्यस्थल पर जाने से पूर्व सेफ्टी शूज जरूर पहने, अर्थात सेफ्टी शूज जरूर पहने का मतलब, यहां सेफ्टी शूज कौन से पहनोगे, मोटे तले वाले, और उसमें लोहे का एक क्या होता है, लोहे का टुकड़ा भी लगा रहता है आगे, तो मोटे तले वाला होता है और लोहे का टुकड़े वाला भी होता है, तो वो सिर्फ जरूर पहले, तो इसको बोलते हैं सेफ्टी शूज। क्या बोलते हैं, सेफ्टी शूज। अदरवाइज कोई जो छोटे दूसरे जो है सामान्य शूज ना पहने, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए इसी क्रम में मैं और बात बताना चाहता हूँ, तो सर्विक को कोई भी कार्य करने से पूर्व सेफ्टी शूज पहने, दूसरी हो सके तो जब भी अपन जाए तो ध्यान रखना, कार्य से पूर्व मशीन पर कार्य के लिए जा रहे हैं मान लीजिए, तो अपने बाल जो है छोटे छोटे ऐसे हो, न कि इतने तो यहाँ लटके रहे लेडीज की तरह, लड़कियों की तरह, फिर अंतर क्या हुआ। तो यही चीज है, क्योंकि कार्य पूर्व जो है बाल जाए और आपकी मशीन घूम रही है, मान लीजिए ये लेथ मशीन चल रही है आपकी, और लेथ मशीन चल रही है उसमें जो है एक बाल गया, और गया तो बाकी पूरा भी गया, फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो बहुत भयंकर दुर्घटना हो सकती है। अर्थात बाल छोटे हो, क्या हो, हाँ, देखिएगा यूं है कि कोई भी कार्यशाला में जाए, जॉब कर कार्य करते समय क्या होता है, बाल छोटे छोटे होने चाहिए, बालों को छोटे छोटे रखो, क्या रखे, छोटे छोटे रखे, ठीक है। और अगर महिलाएं हैं, फीमेल है, तो अपने बालों को बांध करके रखे, ठीक है, छोटी करके रखे, जिससे कि कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, यहाँ पर श्रमिक में कोई भी हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने के बालों की, तो ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं।
अब आप जब भी कार क्षेत्र में जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले हेलमेट जरूर पहन ले, सर की सुरक्षा पृष्ठ सुरक्षा। इसीलिए तो जब व्हीकल चलाते हो, वाहन चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपको हमेशा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि सेफ्टी हेलमेट पहने। तो वहाँ पर भी कार्य क्षेत्र पर भी हेलमेट जरूर पहने। और इसके साथ याद होगा आपको, ड्राइविंग जब करते हो तो सीट बेल्ट भी बांधते हो, ये चीज़ें हैं, और हेलमेट भी, तो ये सुरक्षा में आती है। इसका मतलब हेलमेट जरूर पहने, हेलमेट जरूर पहने, क्या पहने, हेलमेट जरूर पहने। सुरक्षा की दृष्टि से जो है हेलमेट जरूर पहने, बिना हेलमेट पहने कार्य न करें, अन्यथा जो है कोई भी अगर वस्तु ऊपर, मान लीजिए आप नीचे हो और कोई वस्तु पर जो बंदा हो ऊपर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, छत पर कोई कार्य कर रहा है, या कोई ऊपर मशीन पर कार्य कर रहा है, ऊपर कोई जॉब बना रहा, अचानक ही कोई जॉब गिर गया, या अचानक कोई जो है हथौड़ी से ठोक रहा है, हथौड़ी तुम्हारे सर पे गिर गई, अचानक ही कोई पेचकस से जो है ना लाइटिंग को सही कर रहा है और पेचकस तुम्हारे सर पर गिर गया, तो दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना से बचने के लिए आप सबको क्या करना पड़ेगा कि हेलमेट पहनकर ही कार्यशाला में जाए। ये फर्स्ट सेफ्टी है स्वयं के लिए, जो जो भी सेफ्टी बता रहा हूँ मैं स्वयं के लिए बता रहा हूँ। अब आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आप एक पेन पहनो, मैं भी एक ड्रेस पहन के आपके सामने आया हूँ ना, देखो आया हूँ नहीं आया हूँ, देख रहे हो ना, तो ये चीज भी देख लीजिएगा। मैं ड्रेस पहन के आऊं तो आप भी ड्रेस पहन करके एप्रिन पहन के जाओगे, और ऐसी नहीं लूज पूज इधर लटक रही उधर लटक रही इधर लटक रही, ऐसा जैसे मेरे को देख रहे हो, बिल्कुल फिटम फिटा इस तरह से जो है आपको बराबर, क्योंकि अगर मान लीजिए लूज एप्रिन रही ड्रेस रही तो क्या होगी कि कहीं भी जॉब चल रहा है आपका, कोई जॉब कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, मान लीजिए ड्रिलिंग चल रही, ठीक है, समझना बात को, ये ड्रिलिंग कर रहे हो इसमें, और ड्रिलिंग करते समय क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर ये दुपट्टा बांध रखा मान लीजिए आपने, या कोई गमछा है टाइप का, तो यहाँ इसमें सर वो उसमें गया तो फिर आपको ले जाएगा, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस तरह से। तो इसका मतलब ये जरूरी है क्या करे कि एप्रिन पहने, क्या पहने, और वो भी ढीली ना हो, क्या, हाँ, तो ढीली एप्रिन ना हो, तो एप्रिन पहने। शर्त है, शर्त क्या है, ढीली ना हो, क्या हो, ढीली ना हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखे कि एप्रिन तो पहनना है, लेकिन उसमें शर्त ये भी है कि वो एप्रिन ढीली ना हो, जुगाड़ ना किया गया हो, ये चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो एप्रिन पहने लेकिन ढीली ना हो, इसके बाद किसर और क्या करे। अरे छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो कि आपको इनमें बहुत योगदान देगी, तो यही है। चलिए अगला है, देखिएगा अपन बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हो तो भले ही आसपास उसमें देख ले कि कहीं जहाँ अपन कार्य कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऑयल गिरा हो और आप चले गए वहाँ चढ़े उस पर धड़ाक से ऑयल पे पिछले और बतीशी बाहर आ गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता भाई। मित्रों छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना कि अपने कार्यस्थल को साफ कर ले, क्या करें, कार्यस्थल को क्या करना चाहिए, कार्यस्थल को साफ रखे, क्या रखे, स्वच्छ रखे, क्या, तभी तो कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान तभी लागू होगा मेरे भाइयों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी अगर मशीन का या किसी का भी कार्य आपको नहीं आता हो तो बिना जानकारी के किसी मशीन को न छुए। तो देखिएगा यहाँ पर अगला है आपको कि बिना जानकारी के, किसके, बिना जानकारी के कार्य के किसी भी मशीन को न छुए, मशीन को न छुए, ठीक है, देखिए ध्यान देना यहाँ पर, देखिए बिना जानकारी के किसी मशीन को छूना नहीं चाहिए, जब तक उसकी जानकारी नहीं है अपन जो है उसको नहीं छूना चाहिए। और साथ में एक और बात बताता हूँ कि ऑयल अगर गिरा हुआ हो, क्या गिरा हो, ऑयल अगर गिरा हुआ हो तो उस ऑयल को भी साफ कर ले, क्योंकि ये साफ करना बेहद जरूरी है, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। तो तेल ग्रीस इत्यादि लगा हो तो उसे साफ करें, पहला उद्देश्य।
ये बात है। आप कभी कभार अंगूठी पहनते हो, गमछा पहनते हो, या इस टाइप से जो मैंने पहन रखा है इस टाइप से पहनते हो, तो ये ना पहने, कारण क्योंकि इससे भी ये कभी दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं अपन। तो इन्हीं तरह से अपन यहाँ पर क्लियर करते हैं कि कैसे स्टेप आपके साथ हो रही है, इन पर अपन को ध्यान देना है। तो छोटी छोटी बातें हैं परंतु ये आपके लिए बेहद ही मोटी बातें हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंगूठी हो, गमछा हो, या फिर अपने यहाँ पर गले में कुछ चैन वैन इस टाइप का पहन रखा हो, तो प्लीज उसे ना पहने, अन्यथा कोई न कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इससे बचाव के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट देखिएगा क्या, अंगूठी गमछा जानते हो गले में डालते हैं उसको, ठीक है ना, अंगूठी गमछा इत्यादि को न पहने, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं तो आप कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं आपको यहाँ पर स्वयं की सुरक्षा के लिए ही बता रहा हूँ। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी है परंतु मोटी है, गमछा इत्यादि न पहने। कभी कभार अपन क्या कि अपने कर्मियों के साथ में, सहकर्मियों के साथ में इतने घुल मिल जाते हैं कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान ही हंसी मजाक करने लगते हैं, जो कि गलत है। और कभी कभार हंसी मजाक में अपन को ध्यान नहीं रहता है और मशीन पर जाकर के कहीं भी जहां माली ड्रिलिंग कर रहे हो, रिमिंग कर रहे हो, टैपिंग कर रहे हो, अत्यधिक कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो और उस पर हाथ लग गया गलती से, तो आपको उंगली कर सकती है, हाथ कर सकता है, ऐसे में दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। इसलिए स्वयं की सुरक्षा हेतु और दूसरे की सुरक्षा हेतु, दोनों की सुरक्षा हेतु तो ये ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर मजाक ना करें। लिखिए कार्य स्थल पर हंसी मजाक ना करें, ठीक है, ये बात आपको ध्यान, कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई भी हंसी मजाक ना करें जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो, ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। अगर वेल्डिंग वगैरह करते हो तो आप ध्यान रखिए कि चश्मा पहले, वेल्डिंग करते हो, ग्राइंडिंग करते हो तो ध्यान रखो वेल्डिंग चश्मा या ग्राइंडिंग चश्मा जरूर पहने या हैंड शील्ड का प्रयोग करें, तो ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग या ग्राइंडिंग, जरूरी नहीं है यहाँ वेल्डिंग ही हो, ग्राइंडिंग भी हो सकती के दौरान चश्मे का प्रयोग करें। किसका? चश्मे का प्रयोग करें। किसका? चश्मे का यूज करना है, तो ध्यान रखना वेल्डिंग करते हो या ग्राइंडिंग करते हो तो उसमें चश्मे का उपयोग करें। कोई कार्य अपन से जानबूझ के नहीं किया लेकिन अनजाने में अपन से जो है कार्य कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो अपन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और अपने अधिकारी को, अपने बॉस को ये बात बताएं कि मुझसे ये कार्य गलत हो गया है, जिससे आगे और दोबारा उस प्रकार की गलती ना हो सके। अतः सुनिएगा, लिखिएगा, देखिएगा, अज्ञानतापूर्व या भूलवश बात की, अज्ञानतापूर्व लिखो या भूलवश कोई कार्य में गलती हो गई हो तो उसे अपने बॉस को जरूर बताए, ठीक है, जिससे उस गलती को सुधारा जा सके, न कि छिपाए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला आता है नेक्स्ट, ध्यान रखना यहाँ पर जो है एक एक चीज को मैं बात बता रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब देखो आगे मैं बात करता हूँ कि कोई चलती हुई मशीन है तो उसकी मरम्मत ना करे, लेकिन ध्यान रखे कि जैसे मरम्मत का मतलब कुप्पी वगैरह, या फिर बोलते हैं ना अपन तेल की कुप्पी लेकर के उसमें लुब्रिकेंट करे, तो चलती हुई या अपनी सुरक्षा के लिए चलती हुई मशीन में कुप्पी से या फिर किसी प्रकार से कुप्पी से लुब्रिकेंट न करे,
ध्यान रखो, ये बात आपको ध्यान देने की बात है कि अगर करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बेहद ही काम की बातें हैं जो आज आपको मैं बता रहा हूँ। अब दुर्घटना कैसे होती है कि कभी कभी अपन कार्यस्थल पर ही जो है नशे की नशे में जो है कार्य करते हैं, अर्थात कार्यस्थल पर या कार्य के दौरान किसी प्रकार का नशा न करें। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का नशा न करे, ये बात ध्यान रखे। चाहे कोई भी प्रकार का नशा हो, अपन कार्यस्थल पर कार्य के दौरान नहीं करेंगे, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी कहां पर भी कैसे भी आ सकता है, इसका कोई ये नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे है इसका रीजन जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी ध्यान देना, हाँ आपको प्रमुख एक और बात बताता हूँ कि बिजली के जो तार होते हैं उनको कभी न छुइए। क्या बिजली के तारों को आपको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है इलेक्ट्रिशियन अलग से ही अपना पर्टिकुलर ध्यान रखना सबको। तो कोई भी हो, चाहे कोई भी दुनिया में किसी प्रकार का जो है फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, यहाँ पर वायरमैन हो, दुनिया में कोई भी हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी कारीगर हो, सभी को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर देखिएगा बिजली के तारों को, क्या बिजली के तारों को न छुए। क्योंकि आपको पता है तो इलेक्ट्रिशियन जब आएगा तो पर्टिकुलर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन तो उसको पर्टिकुलर मेन स्विच को ऑफ करके ही उनको छुएगा या फिर सही करेगा। लेकिन आप हम जो है अचानक ही उसको छू ले, कहीं करंट आ रहा हो, इंसुलेशन नहीं हो, कट गया हो, तब भी नहीं छुए, ध्यान रखना ये बात। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जो आपको ध्यान देने की बात है। सुरक्षा माता खुद की सुरक्षा है, पहला सुख निरोगी काया, याद रखना है आपको। तो ये सुरक्षा में जो है मैं एक बिंदु लिखता हूँ जिसे बोलते हैं अपन यहाँ स्लोगन, और स्लोगन के रूप में अपना आता है कि पहला सुख निरोगी काया। क्या आता स्लोगन की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है पहला सुख निरोगी काया। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो सुख है, पहला सुख निरोगी काया, मतलब इसका मतलब क्या है, इस स्लोगन का मतलब यही है कि पहले सबसे पहला सुख वह यह कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए तो मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इसमें सेफ्टी, सेल्फ, स्वयं की सुरक्षा, अर्थात यही तो बात है जो स्वयं की सुरक्षा आपके लिए जरूरी है। अतः पहला सुख निरोगी काया, परंतु वो तभी हो सकता है जब क्या हो, आप श्रमिक को कोई को भी कार्यस्थल पर कार्य करने से पूर्व BTC की ट्रेनिंग लेना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा मामला नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिएगा होता क्या है कि जब सबसे पहले एक बार मेरी लोकोपाइट में लगी तो उसके बाद तो मैं जेई बन गया था। रेलवे में तो लोकोपाइट में जैसे ही नौकरी लगी तो ट्रेनिंग दी गई थी 3 महीने की ट्रेनिंग। तो क्या होती है आपकी, ध्यान रखिएगा, डीजल और इलेक्ट्रिकल की दोनों की मिलकर के जो है टोटल 6 महीने की होती है। केवल डीजल की दी गई तो 3 की, इलेक्ट्रिक की दी गई 3 की, ठीक है, ध्यान रखना। पर 1 महीने की सिग्नल की भी होती है, परंतु इस प्रकार से टोटल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं ये बताना जो आप में भी उसमें पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो रूट पर्टिकुलर की दी जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ तो मैं जोधपुर से जयपुर वाले रूट पे चलता था, तो उसी क्रम में बाद में तो मैं वहाँ से देखेगा उसमें जेई में होने के बाद तो दिक्कत ही खत्म होगी, परंतु उस रूट पर चलता था। अगर कभी भी ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, एक कारण मन से मुझे ये बोला था कि आप बीकानेर वाले रूट पर चल जाइएगा, कारण देखिएगा वहाँ से जो है ड्राइवर नहीं थे उस टाइम पर, तो मेरे से बोला गया, मैंने कहा भाई अगर आप लिखकर मुझे दे दोगे कि भाई हाँ आप जा सकते हो तो मैं चल जाऊंगा, और ये ट्रेनिंग मुझे नहीं दी गई है, इस रूट की ट्रेनिंग मुझे नहीं है, तो कोई भी आपको उस रूट पर नहीं भेज सकता। तो इस केस में ऐसा ही होता है। तो अतः आपको कभी भी जब तक बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी जाए तब तक आप कहीं पर भी जो है कार्य कर नहीं सकते, कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल सकता। सेफ्टी शूज जरूर पहने, ध्यान रखिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो इसके बाद बालों को छोटे छोटा रखे, हेलमेट जरूर पहने, एप्रिन पहने, ढीली ना हो, कार्यस्थल पर को साफ रखे, बिना जानकारी के किसी भी मशीन को न छुए, जानकारी हो तभी छुए, तेल ग्रीस इत्यादि लगा
गंदा हो तो उसको भी साफ कर ले, ठीक है। यहाँ पर अंगीठी गमछा या फिर टॉवल वगैरह जो भी रहता है ऐसा कुछ साफ वगैरह, तो उसको यहाँ पर क्या कर ले कि नहीं बन करके जाए। कार्यस्थल पर हंसी मजाक ना करे क्योंकि ये भारी पड़ सकती है। वेल्डिंग ग्राइंडिंग के दौरान यहाँ पर आंखों में चश्मा लगाए, जो वेल्डिंग चश्मा तो वेल्डिंग वाला लगे, ग्राइंडिंग के लिए तो ग्राइंडिंग वाला लग गए। अज्ञानता पूर्व या भूलवश कोई यदि गलती हो जाए तो अपने बॉस को जरूर बताए, अन्यथा और कोई दुर्घटना हो सकती है, है ना। गलती छुपाने के चक्कर में दुर्घटना हो सकती है। चलती हुई मशीन में तेल की कुप्पी से अपन लुब्रिकेट न करे, अर्थात जो है मेंटेनेंस न करे, सीधी सीधी बात ही है। चलती हुई में करेंगे तो अपन को दुर्घटना हो सकती है, स्वयं को दुर्घटना हो सकती है, ये सारी स्वयं की है। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का नशा न करे, और नशे में कार्य करोगे तो आप जानते हो ना क्यों, नशा ही तो है, है ना। तो नशे में कार्य करोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना है, बिजली को तारों को कभी भी भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा कभी करंट लग सकता है। तो इसी तरह से मैंने इसके लिए सभी के लिए कॉमन बताया है कि मानव के लिए एक स्लोगन है कि पहला सुख निरोगी काया, फिर तो हो घर में ही माया। तो पहला सुख अगर आपके पास निरोगी काया है तभी उस माया का उपयोग करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसीलिए इससे क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे आते हैं मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक जो जयपुर मेट्रो में वैकेंसी आई थी JMRC में 400 से ऊपर पोस्ट आई थी, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से कार्य के दौरान मानव की सुरक्षा कड़ी कौन सी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखें, कौन सा सुरक्षा कड़ी आवश्यक नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। चलिए अगर मैं इसी क्रम में बात करता हूं तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक और है यहाँ जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो कौन सी सुरक्षा कड़ी जो है क्या है आवश्यक नहीं, किस कड़ी में अपन सुरक्षा, ठीक है। हेलमेट पहनना, ठीक है, आवश्यक नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। हेलमेट पहनना, एप्रिन पहनना, ठीक है, समय पर आना, नेक्स्ट, एक एक चीज जरूरी है यहां पर कि क्या है, कार्य से पूर्व ट्रेनिंग लेना, बताइए यहां पर आपको ये चीज करना था, हेलमेट पहनना, इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब आप बताओ कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको लगता तो होगा कि यार ये सर पढ़ा रहे हैं, शुरू में कई चैप्टर पढ़ाते तब तक हल हो जाता, हारे चलेंगे भाई, एक से लेकर के अपन जेड तक चलेंगे, ए से लेकर जेड तक वन, थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ाना अलग चीज है, यूं कहीं से भी कुछ भी पढ़ा देना, मैं बता रहा हूँ जैसे आपके यहाँ 1 से लेकर 300 वीडियो में ना बीच में कचरा पट्टी हो जाए पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं 1, 2, 3, 4 क्रमबद्ध ऐसे जो है ना 99, 100, 100 के बाद 150, 200 बराबर 300 तक ऐसे दुगना क्रमबद्ध रूप से, तो पढ़ने का और आनंद आएगा। सिक्वेंस अलग चीज होती है, मुझे अट्रैक्टिव क्लास देना तो मैं कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठाकर दे सकता था, लेकिन मुझे नहीं देनी, मैं तो सिस्टमेटिक ही पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मीन्स है आपको लक्ष्य की प्राप्ति, यूँ जल्दीबाजी करने का कोई उद्देश्य नहीं हो जाएगा, आपका कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं रहेगा जो बाकी रहेगा, ये मेरा दावा, और समय से पहले हो जाएगा, आपकी कोई वैकेंसी हाथ से नहीं निकल दूंगा, और यहां तक कि रिवीजन का टाइम भी दूंगा, तो आपको निराश होने की 1% भी जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो मैं लक्ष्य तक ले जाऊंगा, और अगर मेरे पर नहीं किसी और पर तो वहां पर भी जा सकते हो। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात शेयर कर रहा हूं आपको, क्योंकि देखिएगा यहां मैटर ये नहीं करता, यहां मैटर है कि अपने, मेरे तो देखो साफ साफ बात है कि अपन को नेकी का काम करना है, नीयत साफ होनी चाहिए इंसान की, तो आदमी हमेशा आगे बढ़ेगा। वो बात रही पैसे की, तो पैसे के लिए तो दुनिया करती है, अलग बात है। बात ये है कि ठीक है, माना कि देखिएगा सब संसाधनों के लिए जरूरी है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि बच्चों के साथ गलत हो, अतः आप पहले अपने 10 दोस्तों के साथ
साथ मिल करके 10 तरह के वीडियो जरूर देखें, और फिर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए कौन सा बताऊं आपको, तो हेलमेट भी जरूरी है तो भाई पहली प्राथमिकता है, एप्रिन भी जरूरी है पहली प्राथमिकता, कारेज पे पूर्व ट्रेनिंग ये भी है, समय पर आना सारी परिप्रा, तो ऐसी तो कोई है ही नहीं इसमें की जो नहीं। परंतु ध्यान रखना कभी कभार अगर लेट हो जाते हैं तो यहाँ पर ये जो चीज ध्यान देने की कि ये जो लेट हो जाते हैं तो वो चल सकता, लेकिन ट्रेनिंग में लेकर के अपन कार्य करते कि नहीं वो उसके कहने पर तो नहीं इतनी चलेगा। एप्रिन पहन करके नहीं आए कि नहीं उमड़ जाए जैसे उठ करके आगे, ये भी गलत है। हेलमेट पहनना कि नहीं वैसे कार्य कर रहे तो ये भी गलत है, इसमें सुरक्षा असावधानी हो सकती है। लेकिन जल्दीबाजी में आप लेट हो गए और समय पर ना आए हो तो इसके चक्कर में आप जल्दीबाजी करोगे तो वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए लेट 19:20 हो गया तो चल गया, कोई बात नहीं, हाफ डे लग जाएगा या कोई और भी वजह हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। बॉस को बताओगे प्रॉब्लम तो उसका समाधान है, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो जाए जल्दीबाजी के चक्कर में। तो ये चीज हो रहा है, ध्यान देना है। तो इनमें सारे ही सही थे, लेकिन आंसर कौन सा क्लिक करना था यहाँ पर, समय पर कभी नहीं आना, इसका मतलब ये कि हमेशा तो आना है लेकिन कभी कभी होता है, तो समय पर आना, तो यहाँ पर समय पर आना ये तो जरूरी, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है समय पर आए पाए, ये हो ही जाता है, इंसान है तो कहीं ना कोई काम पड़ ही जाता है। इसलिए दोस्तों आप और हम एक एक चीज़ को क्लियरिफाई कर रहे हैं और उम्मीद है इन्हीं चीज़ों से अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप और हम एक साथ चलते रहेंगे तो ही अपने सपनों की उड़ान को पहुंच पाएंगे और अपनी ऊंची उड़ान को बरकरार है ना हवा में अर्थार्थ उड़ा कर देखेंगे। बस निराश होने की जरूरत नहीं है, आप तो कुछ कुछ नहीं करना है, अरे भाई कुछ नहीं करना मतलब करना है लेकिन पढ़ना है, नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई, पर कोशिश नहीं की, एक बार कम से कम तपस्या से पत्थर उछाल कर तो देखिए, हो सकता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाए। अब तक अभी तक तैयारी कहाँ की, क्योंकि पीटर वाले सर मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, किसकी, पटवारी की, कांस्टेबल की, ग्राम सेवक की, है ना, SSC की, बैंक की, दुनिया भर की बात तैयारी कर लेते हो, पर जब अपनी बारी आती है जो IT की है ट्रेड फीटर से तो उसकी तैयारी में नहीं, नहीं सर मैंने तो आज तक की नहीं, क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, मैं पूछता हूँ आपसे क्यों नहीं की, करना चाहिए ना, और IT की थी क्यों की थी उसका भी वजह बताना चाहिए ना। तो यही चीज़ है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाना चाहिए ना, बजाय आपको जाना जयपुर आप पहुँच रहे हो जोधपुर, आपको जाना जयपुर आप पहुंच रहे हो कोटा, ऐसा नहीं बस तो जहां जयपुर जाना है तो जयपुर जाइए आप, क्योंकि जहां जिसको जाना है वो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अन्यथा भटकते रहोगे। आपको ये पता नहीं कि मुझे कहां जाना, तो पता पूरे इंडिया के चक्कर लगा दो लेकिन आप अपने घर नहीं पहुंच पाओगे, यही बात है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चयन होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए कि कहां मुझे जाना है, किस तरह से ऊंचाइयों को छोड़ना है और किस तरह से उड़ान भरनी है, तब भी जाकर आप और हम दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम दोनों मिलकर के आपका लक्ष्य प्राप्त होगा तो मेरा भी लक्ष्य प्राप्त होगा, आप नौकरी लगोगे तो मुझे भी गर्व होगा ना, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम दोनों को बेनिफिट से कर, लाभ की बात अलग है लेकिन गर्व की बात अलग है। मेरे स्टूडेंटों का अगर सिलेक्शन होता है सैकड़ों की संख्या में तो गर्व नहीं होगा क्या? आगे पिछले वीडियो में देख, इसमें देखो आप देखिए फोटो टाकर के वेबसाइट पे जाकर के मैंने सारे बच्चों के जो रले हैं फोटो की किन किन के सिलेक्शन हुए हैं, खूब सारे सिलेक्शन दिए हजारों की संख्या में, आप देख सकते हो फोटो, इसलिए मुझे गिनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ प्रैक्टिकल देख सकते हो, मोबाइल नंबर तक भी दिए हुए हैं, जाकर के देख लो कि कितने बंदों का किस किस में सिलेक्शन कहाँ कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है, फिर भी देखिएगा मैं एक एक चीज़ आपको बताया हूँ और शायद इसी तरह से आप आप और हम मिलकर के उड़ान भरेंगे। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, किसी होती है हौसलों से उड़ान होती है। उम्मीद है आपको ये मेरी सारी की सारी बातें पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है उनको निस्वार्थ भावना से ये मैसेज पहुंचा दो यार, दो दो पांच पांच दस दस फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप इन पे सभी पे जो है पहुंचा दो प्लीज। इतना छोटा सा काम आप भी कर सकते हो ना मेरे लिए, करोगे ना, करो ना मेरे लिए सही नहीं, आपके लिए नहीं, अपने गरीब भलो दोस्तों के लिए मित्रों के लिए तो कर ही सकते हो ना। प्लीज उठाइए फोन और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर फरेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी में मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।